और इजी करने की मार्केट के अंदर क्या है, मेटल कॉइन। लेकिन मेटल कॉइन के अंदर भी सेम प्रॉब्लम था, चीजों को और अपग्रेड करा गया, मार्केट के अंदर आए पेपर मनी जिसको अपन नोट भी बोलते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन था, दैट कि आप सोचो जरा, आपके घर में अगर 2 करोड़ रखे हैं, आपको नींद नहीं आने रहा, 1 करोड़ रुपए रखे हैं आपको नींद नहीं आएगा, चोरी ना हो जाए, चूहे ना काट लें, देन मार्केट के अंदर क्या है, एटीएम कार्ड, यू नो जिसको अपन प्लास्टिक कार्ड भी बोलते हैं, मतलब आपको भाई अपने पास पैसे रखने की जरूरत नहीं, आप अपने अकाउंट के अंदर रखो, जब आपको जरूरत है आप एटीएम जाके पैसे निकाल लो। इसमें क्या लिमिटेशन था कि आपको एटीएम तक जाना ही पड़ेगा, आपको अगर बैंक का सर्वर नहीं है तो आप पैसे नहीं निकाल सकते, अगर एटीएम के अंदर पैसे नहीं तो, मतलब ये अगर बैंक ने लिमिटेशन डाल रखा है 20,000 का, आपको चाहिए 1 लाख तो आप नहीं निकाल सकते, सोचो जरा आपके पैसे, लेकिन फिर भी आप 100% मालिक नहीं। देन मार्केट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी के, ठीक है आपको एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मनी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब गूगल पे, फोन पे एंड ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन था मेरे दोस्त, बोलते हैं नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अगर प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आता है, और ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया एज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी को यू नो आभासी मुद्रा, हिंदी के अंदर यू नो गैर आभासी मुद्रा भी बोलते हैं मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। अब ये क्रिप्टो करेंसी को ऐसा क्यों बोलते हैं और क्रिप्टो करेंसी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी के अंदर देर आर नो लिमिटेशन, विदाउट एनी लिमिटेशन यू कैन ट्रांजेक्ट योर अमाउंट एज मच यू एज कैन, आप जितना चाहें उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन भी विद इन अ सेकंड आप कर सकते हैं मेरे दोस्त। आगे अपन चलते हैं, थोड़ा सा और चीजें जानते हैं, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की करेंसी है, एक तरीके की मुद्रा है, जैसे आप रुपए यूज करते हैं द सेम वे क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है। अगर आप रुपए यूज करते हैं, रुपए को आप केवल भारत में यूज कर पाएंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आप पूरे ब्रह्मांड में यूज कर पाएंगे मेरे दोस्त। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की यूज करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी को आप को किसी न किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब किसी न किसी बैंक की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी का लिमिटेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप यू नो अगर आप यू नो रुपए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन यू कैन ट्रांजेक्ट, अगेन आई एम सेइंग दैट एज मच यू एज कैन, जितना आप कर सकते हो उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, देयर आर नो नीड, किसी का पर्सनल यू नो डिटेल की जरूरत नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, किसी का पैन नंबर की जरूरत नहीं है, बिना पैन नंबर का, बिना अकाउंट नंबर का, किसी भी इंसान का, बिना पर्सनल डिटेल का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप लेन देन कर सकते हो। अगर अपन क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, कई ऐसी करेंसीज है मेरे दोस्त जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है, कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। अगर अपन केवल क्रिप्टो करेंसी में, अपन एक करेंसी का नाम लूं मैं आपसे, बिटकॉइन का नाम लूं, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की जीडीपी से बड़ा है। भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ का है, लेकिन यू नो बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉलर के अंदर लिखा हुआ है, राइट, इससे बड़ा भारत, मतलब आप समझिए कि भारत देश को 2 बार खरीदा जा सकता है, इतना केवल एक क्रिप्टो करेंसी, एक कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है मेरे दोस्त। एंड अगर आप क्रिप्टो करेंसी के नाम पहले सुने होंगे तो 100% आपने बिटकॉइन का भी नाम सुना होगा, और बिटकॉइन वही करेंसी, राइट, ठीक है सर आप बता रहे हो, मान लेते हैं, बट व्हाट वुड बी द सिनेरियो, आगे सिनेरियो क्या होने वाला है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। बिटकॉइन की तरह भारत में होगी अपनी डिजिटल करेंसी, आरबीआई ने कहा शीघ्र होगी इसकी घोषणा। मेरे दोस्त आज अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी एक्सेप्ट करना, और करना ही पड़ेगा, बोलते ना समय के साथ जो नहीं बदलते बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, नोकिया ने खुद को नहीं बदला बहुत जल्दी मार्केट से गायब हो गया था, राइट, सेम वे डायनासोर ने अपने आप को नहीं बदला बहुत जल्दी मार्केट से गायब हो गया था मेरे दोस्त। सेम चीज यहाँ पे, सेम थिंग यहाँ पे है, अगर आप समय के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलोगे तो मेरे दोस्त आप बहुत पीछे हो जाओगे। बोलते हैं ना सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, कोई नया रास्ता निकालो तो कोई बात बने, वक्त के साँचे में हर किसी को ढलना आता है, वक्त को अपने साँचों में ढालो तो कोई बात बने मेरे दोस्त। आज जो टाइम है, दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी। आप बोलो नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, एक न्यूज़पेपर उठा के दिखा दिया आपने और आप बोल रहे हो, बड़ा ध्यान से देखिए, वीजा जिसका एटीएम कार्ड होगा आप में से बहुत सारे लोगों के पास, वीजा ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है मेरे दोस्त। आप बोलो सर
और आरबीआई के डिजिटल करेंसी कैश की तरह होगी। मेरे दोस्त आप बोलो सर, और आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखिए, द फ्यूचर इज हियर, वी नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ कन्वीनियंस मोड ऑफ पेमेंट, अपडेट योर ऐप नाउ। ये कौन बोल रहा? भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि हम अब क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट मोड एक्सेप्ट करने लगे हैं, और आप यू नो पेमेंट आप पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी कर सकते हो। मेरे दोस्त, अगर आप आज भी नहीं समझोगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि दुनिया से बहुत पीछे हो जाओगे। राइट, आगे और आपको दिखाता हूं, दुनिया की पहली ऑटो पायलट कार कंपनी टेस्ला, जिसके अंदर ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, बिना ड्राइवर के भी आप कार चला सकते हैं, उन्होंने अगर आपके पास बिटकॉइन है तो मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी से आप टेस्ला की कार भी खरीद सकते हो। राइट, फिजिकल क्रिप्टो बैंक ओपन इन इंडिया, दीज 14 लोकेशन ऑफर इन पर्सन बैंकिंग लेंडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज। मेरे दोस्त, आप सोचो कि अगर मुझे पान का दुकान खोलना है, किराना का दुकान खोलना है, तो शायद मुझे गवर्नमेंट से परमिशन ना लेना पड़े, लेकिन अगर मुझे बैंक ओपन करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर भारत के अंदर खोलना है तो फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। और ऑलरेडी भारत वर्ष के अंदर मेरे दोस्त, ये 14 ये पहले का न्यूज है, आज करीब करीब 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस क्रिप्टो करेंसी का इंडिया के अंदर ओपन हो चुका है। इट माइट बी पॉसिबल आने वाले टाइम के अंदर आपका जो भी नियर बाय प्लेस होगा, जो भी आपका नियर बाय सिटी होगा, वहां पे आपको क्रिप्टो करेंसी का एटीएम यू नो क्रिप्टो करेंसी का बैंक मिल जाए। और मैं आपको बता दूं, आज अप्रोक्सीमेटली 30 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के एटीएम इंस्टॉल हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। राइट, आप बोलो नो सर मुझे नहीं, आप सोचो अगर गवर्नमेंट ये बोले कि तुम्हारा जो पैसा है ना बेटा 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए अकाउंट में, उसके बदले में हम क्रिप्टो देंगे तुम्हें, तब आप क्या करेंगे? तब आप मना नहीं कर सकते हो ना। अगर तुम मना करने की इतनी यू नो जरूरत होती तो शायद हम 2000 का नोट लेने से मना कर देते, तब आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, शशिकांत दास जो गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी एंड वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी भारत सरकार यू नो क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही है। यहाँ पे देखें, आप बोले सर ठीक है क्रिप्टो का अलग, लेकिन ये बताइए क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक है वो क्रिप्टो ऑफर कर? यस माय डियर, फ्रॉम 22 इंडियन बैंक्स ब्रांचेस टू बिगिन ऑफरिंग क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस। मेरे दोस्त, 22 से ज्यादा इंडिया की जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं, क्रिप्टो करेंसी के सर्विसेज की ऑफर कर रही हैं। एंड व्हाट यू से अबाउट दिस आई डोंट नो, बट एक चीज मैं कह सकता हूं कि अगर गवर्नमेंट परमिशन कर रही है, गवर्नमेंट में ये बोल रही है कि मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही हूं, आ रहा हूं, अगर टेस्ला बोल रहा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क एट दैट टाइम जब उन्होंने अनाउंस किया था, यू नो ही वाज द यू नो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड, यू नो मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था एलन मस्क ने 10,500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी खरीदा था। अपने से मैं ये क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे बड़े सारे लोग यू नो सर आई एम लुकिंग लाइक शाहरुख खान, हाउ कैन यू टेल मी कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे सर यू नो आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल, आई वॉज द टॉपर ऑफ माई कॉलेज, कैसे आप मुझे सजेस्ट कर सकते, यू नो आई एम वर्किंग फॉर दैट कंपनी, आई एम वर्किंग फॉर यू नो दैट गवर्नमेंट। बट एक चीज आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट ही यू नो क्रिप्टो लेके आ रही है, देन व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है? अगर भारतवर्ष के अंदर 14 से ज्यादा 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ओपन हो, व्हाट नेक्स्ट? राइट मेरे दोस्त, सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की करेंसी है। अगर भारत की सबसे बड़ी यू नो शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही है, दुनिया का पहला ऑटो पायलट कर कंपनी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही है, भारत वर्ष के अंदर अगर 17 से ज्यादा यू नो बैंक ओपन हो चुके हैं, 22 बैंक जिसमें HDFC बैंक इन्वॉल्व है, जिसके अंदर इंडसइंड बैंक है, जिसके अंदर ICICI बैंक है, ये ऑलरेडी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप अकेले किधर जाएंगे? राइट, और वो मैं फिर से एक लाइन बोलता हूँ मेरे दोस्त की, बोलते ना दैट की यू नो अंधा उस इंसान को नहीं बोलते जो आंखों से होता है, उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया को देख नहीं सकता, लंगड़ा उस इंसान को नहीं बोलते जो पैरों से होता है, उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं सकता। आज अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बहुत पीछे हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी के माध्यम से लेनदेन नहीं होता है, तो लेनदेन होता कैसे क्रिप्टो के अंदर? मेरे दोस्त, क्रिप्टो के अंदर जो लेनदेन होता है वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट मोस्ट एडवांस्ड,
एंड मोस्ट सेफेस्ट टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे एडवांस, पूरी दुनिया का सबसे लेटेस्ट एंड पूरी दुनिया का सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है, दैट कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सर्वर होता है मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सर्वर होता है दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वही इसका सर्वर होता है, बसरते इसका यू नो फोर्सेस के अंदर या फिर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कोई भी चीज आप डालते हैं, कोई भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो दोबारा मिटाना पॉसिबल नहीं है, दोबारा एडिट करना पॉसिबल नहीं, मतलब एडिटेबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है। आप बोले सर आपके बोलने से मान लेंगे क्या? नहीं मानोगे, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का है, राइट? बड़ा ध्यान से देखेंगे, जो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, माय डियर फ्रेंड। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाने इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तराशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं जनों अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथ ही ब्लैक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिलेगी। जैसे आपने देखा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पे काम कर रही है, मेरे दोस्त आने वाले टाइम के अंदर आपको जमीन की रजिस्ट्री करवानी हो चाहे कोई भी काम हो, हर एक चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर मिलेगा। मैं जस्ट अभी एक वेबसाइट ओपन किया, आप भी ओपन कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसमें आप देखेंगे ऑलरेडी यू नो ड्राफ्ट बन चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड आने वाले टाइम के अंदर अपकमिंग डेज के अंदर आपको हर एक चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर मिलेगा, चाहे तो जमीन की रजिस्ट्री हो, चाहे तो आपका रिज्यूम जमा करना हो, चाहे तो जॉब का कोई लीड हो, हर एक चीज मेरे दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि दिस इज द यू नो मोस्ट सेफेस्ट सिस्टम और ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके अंदर छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखें, जैसे आपको मैं बता रहा था कि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप पर्सन टू पर्सन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। आपको मैं एक जबरदस्त चीज बताता हूँ क्योंकि हम फोर्सेस के बारे में बात करने वाले, फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम, दिस द 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। एंड व्हाट मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम, बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट मीन बाय सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम, व्हाट मीन बाय सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एक कंपनी, एक इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, जिस दिन कंपनी का मालिक चाहे उस दिन कंपनी को बंद कर सकता है, जिस दिन कंपनी का मालिक चाहे उस दिन कंपनी को यू नो एडिट कर सकता है, प्लान बदल सकता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब एक बार सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया, सिस्टम 100% तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। कैसे काम करता है आप यहाँ पे बड़ा जबरदस्त देखें, यू नो फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम, देयर आर जीरो ह्यूमन फैक्टर, देयर आर नो ह्यूमन फैक्टर, किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है, पॉलिसी एंड प्लान कांट बी चेंजेबल। मेरे दोस्त सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर डाउट होता है, किसी भी कंपनी का प्लान देखते हैं कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, कि जो सिस्टम है मेरे दोस्त, इसके फाउंडर भी अगर चाहें, इसके फाउंडर मिस्टर लाडो अगर वो भी चाहें तो इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है। ब्लॉकचेन से अगर डिलीट करना है तो पूरी दुनिया के इंटरनेट को बदलना पड़ेगा, पूरी दुनिया के इंटरनेट से डिलीट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंसी, कैसे, आप अगर जिस कंपनी में भी काम कर रहे होंगे, अगर आप उस कंपनी का बैलेंस शीट देखना चाहे, इज इट पॉसिबल, क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते, बट फोर्सेस का 100% तरीके से चीजों को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, मेरे दोस्त जब भी कभी सिस्टम में अपन काम करते हैं, सबसे बड़ा यू नो दिक्कत होता है कि महीने भर अपन मेहनत करते हैं तब जाके एक दिन पेमेंट आता है, मेरे दोस्त यहाँ पे 100% ट्रांजेक्शन विद इन अ सेकंड होता है, एक सेकंड के अंदर होता है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड 100% डिसेंट्रलाइज्ड बेस पे वर्क कर रहा है और मार्केट के अंदर पहला इंडस्ट्री मेरे दोस्त जिसने 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर लेके आया। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आपको वजीरेक्स एंड बाइनेंस दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, केवाईसी लेना है, यहां से आप बाय कर सकते हो, यहां से आप खरीद सकते हो और आपका जो भी पेमेंट आएगा यहीं से आप सेल कर सकते हो। टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट, इफ यू हैव अ यू नो एंड्रॉइड फोन यू हैव टू डाउनलोड टोकन, सॉरी इफ यू हैव अ आईफोन यू हैव टू डाउनलोड टोकन पॉकेट, इफ यू हैव अ एंड्रॉइड यू हैव टू डाउनलोड ट्रस्ट वॉलेट, इफ यू हैव अ लैपटॉप यू हैव टू डाउनलोड मेटामास्क। अगर आपके पास यू नो मोबाइल है आईफोन है तो आप टोकन पॉकेट करेंगे, अगर आपके पास यू नो एंड्रॉइड है तो आपको ट्रस्ट वॉलेट करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको मेटामास्क डाउनलोड करना है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा अगर आगे अपन चलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जाने कि जो सिस्टम है हमारा फोर्सास है वो जो मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट लेके आया है, कॉइन लेके आया है, इस बारी 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर आया था, लेकिन इस बार जो लेके आया वो लेके आया BUSD टोकन। BUSD क्या है? BUSD इज द स्टेबल कॉइन, राइट। एंड इसको लॉन्च किसने करा? इसको बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर 2019 के अंदर लॉन्च करा था। एंड मेरे दोस्त सबसे अच्छी चीज क्या है, इसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से बिलोंग करते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि जैसे ही वैल्यूएशन बढ़ता है तो अगेन उनका प्रॉब्लम्स होता है कि वैल्यूएशन बढ़ा तो ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा जिससे ज्वाइनिंग रेशो कम हो जाता है। मेरे दोस्त मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फोर्सेस ने हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और अगर आज आप नहीं समझोगे तो कल आपको समझना पड़ेगा अगर आप किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको एक लाइन बोल सकता हूँ, आज नहीं तो और कभी करोगे हम पे गौर, कभी समय बदलते नहीं देने लगती मेरे दोस्त, आएगा फोर्सेस का दौर कभी। और समझिए आप, 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD, 1 BUSD की कीमत 1 USDT के बराबर है, मतलब $1 के बराबर है। इसका वैल्यूएशन आज जो है वही 2 साल बाद रहने वाला है, वही 5 साल बाद रहने वाला है, मतलब जो ज्वाइनिंग रेशो है वो कभी कम नहीं होने वाला। 10 साल 20 साल 30 साल तक अपन सोच सकते हैं कि सिस्टम चलेगा, जब तक दुनिया के अंदर इंटरनेट रहेगा तब तक ये सिस्टम चलेगा। फिर दोस्त इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और उन्हीं के द्वारा इसको कंट्रोल भी किया जाता है, उन्हीं के द्वारा इसको अप्रूव भी किया गया है। अब यहाँ पे फोर्सेस के अंदर ज्वाइनिंग के लिए मिनिमम आप 10 BUSD से ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ₹880 INR के अंदर विद द गैस फीस इट विल अराउंड 1000 to 1100, 1000 से 1100 रुपए के अंदर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब किसी भी वर्क का इंसान यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। यू हैव टू एक्टिवेट बोथ X3 एंड X4 सेम टाइम, यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली। आप इन दोनों को अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, दोनों को आपको एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपका जो 10 BUSD उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा X3 के अंदर 5 BUSD, X4 के अंदर 5 BUSD। मेरे दोस्त जब भी अपन किसी सिस्टम में ज्वाइन करते हैं अपन ज्यादा इनकम करने के लिए अलग अलग कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ही जगह पे दो दो इनकम मिलता है। कैसे मिलता है? सबसे पहले अपन चलते हैं X3 के अंदर, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे देखें X3 और X4 के अंदर टोटल 12 लेवल है, 12 स्लॉट्स हैं। इन लेवल को अचीव करने के लिए कोई टारगेट नहीं है, कोई यू नो आपको लेवल मैचिंग नहीं करना है। आप चाहें तो डे वन पे यहाँ के 12 स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं, 12 के 12 लेवल को लेकर आप अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है X3 और X4 एंड फर्स्ट स्लॉट X3 का एंड फर्स्ट स्लॉट X4 का आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और ये X3 कैसे काम करता है बड़ा ध्यान से देखें, X3 के अंदर 3 लोगों का यहाँ पे यू नो स्ट्रक्चर होता है, 3 लोगों का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। और X3 के अंदर ये तीनों का स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे मेरे दोस्त। आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको यू नाम की पोजीशन मिलती है, यू कैन डिनोट योरसेल्फ एज अ यू। यहाँ पे जो भी कोहोस्ट हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे अनम्यूट करा है, मैं आपको यहाँ से सीधा रिमूव कर दूंगा बिना कोई यू नो आपको चेतावनी दिए हुए। अगर आपको कोहोस्ट बनाया गया है, यू हैव द यू नो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर अटायर, राइट। तो आपको ये चीजें अटायर एक मेंटेन करनी है मेरे दोस्त। और अगर आप कोहोस्ट होते हुए अपने आपको बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, आप डिजर्व ही नहीं करते हो कोहोस्ट के लिए, राइट। प्लीज जो भी लोग हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यहाँ पे जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, कोई एक इंसान आपकी टीम के अंदर आता है मेरे दोस्त, आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं, किसी एक इंसान को आप रेफर करते हैं, यहाँ पे तुरंत आपको इनकम नहीं मिलता है। बट ये दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंस्टेंट पे आउट मिलता है, जहां पे आपको तुरंत इनकम मिलता है। विद इन सेकंड यू गॉट 100% पेमेंट, 100% पेमेंट आता है। बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि विद इन अ सेकंड मिलता है। जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं अगेन दूसरे इंसान का 100% पेमेंट आपको आता है, विद इन सेकंड आता है। जैसे ही किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, क्योंकि 3 लोगों के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फुल हो रहा है, दोबारा आपको पैसा ना लगाना पड़े, फिर तीसरा वाला बाय डिफॉल्ट री इन्वेस्ट हो जाता है और ये चला जाता है आपके इमीडिएट पार्टनर के पास, आपके सुपीरियर पार्टनर के पास और आपकी अपलाइन के पास। मेरे दोस्त कोई चौथा आएगा तो क्या होगा? चौथा पहले की जगह में आएगा, ये आपको आएगा 100%, पांचवा 100% आपको आएगा, छठवां का 100% चला जाएगा आपकी अपलाइन को।
100% कमीशन क्यों मिल रहा है? 100% कमीशन इसलिए मिल रहा है मेरे दोस्त क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, कोई मालिक नहीं है, किसी को कमीशन नहीं जाना है, तो पूरा का पूरा पैसा आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपको मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं X4, दिस इज द 100% टीम वर्किंग प्लान। यहाँ पे टीम काम करेगी तो भी पैसा आएगा आपको मेरे दोस्त। 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। अब आप एक चीज समझिए, जो इनका स्ट्रक्चर X3 के अंदर लगा था उन्हीं का स्ट्रक्चर भी X4 के अंदर लगा है। X4 में कोई नए लोग नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका डिनोशन होगा वो होगा यू नाम से। जैसे ही आपकी टीम के अंदर एक इंसान आएगा, मिस्टर वन का 100% आपके प्लेइंग को चला जाएगा, मिस्टर बी का 100% आपके प्लेइंग को चला जाएगा, मिस्टर थ्री का 100% आपको आएगा विद इन अ सेकंड, देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग। मिस्टर फोर का 100% आपको आएगा, देयर आर आल्सो नो क्लोजिंग एंड देयर आर आल्सो नो मैचिंग। मिस्टर फाइव का 100% आपको आएगा, मिस्टर सिक्स का आपकी अप्लाइंग को चला जाएगा एंड ये रिसाइकल हो जाएगा। मेरे तो जितनी बारी यू नो आप 6 लोगों के स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 लोगों का आपको आएगा, 3 लोगों की आपकी अप्लाइंग को जाएगा। अब यहां पे एक चीज और समझिए, कुछ लोगों के सर मैं ना XYZ कंपनी में काम किया था, मेरे को इनकम नहीं आया क्योंकि मैं टीम नहीं बना पाया। मेरे दोस्त फुरसाज में अगर आपने ज्वाइन किया है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा और कमा के जाएंगे, आज नहीं तो कल कमा के जाएंगे, लेकिन 100% कमा के जाएंगे। क्यों कमा के जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे स्पिल ओवर एंड क्रॉस ओवर नाम की भी एक चीज है। अब ये क्या है स्पिल ओवर? मान लीजिए X4 के अंदर आपके जो स्ट्रक्चर है राइट, मिस्टर वन, मिस्टर टू, मिस्टर थ्री, मिस्टर फोर एंड मिस्टर यू नो फाइव, माउस से मैं बना रहा हूं तो हो सकता है आपको प्रॉपर ना समझ में। यहाँ पे आप ये 6 लोगों के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे है आप, यू और आपके ऊपर है आपकी अपलाइन। मान लीजिए आपने काम नहीं कर पाया तो क्या होगा? ये जो आपके स्ट्रक्चर है मिस्टर वन वाला, मिस्टर टू वाला, मिस्टर थ्री वाला, मिस्टर फोर वाला, मिस्टर फाइव वाला, मिस्टर सिक्स वाला, मेरे दोस्त ये आपकी इमीडिएट पार्टनर से भी भर सकता है, मतलब आपकी अप्लाइंग से भी इनकम आ सकता है। सर वो तो ठीक है, लेकिन कितना इनकम आएगा मेरे दोस्त? आपको 100% इनकम आपके अप्लाइंग से आ सकता है। 100% इनकम, यू गॉट 100% पेमेंट फॉर योर अपलाइन एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, यहाँ पे 100% पेमेंट आपकी क्रॉस लाइन से भी आता है। 100% आपके अप्लाइंग से, 100% आपकी डाउनलाइन से एंड 100% आपकी यू नो वर्किंग से। आप एक चीज समझिए, ये फोर्सेस एक ऐसा इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, अगर आप नहीं इनकम कर पाए मतलब आपकी अपलाइन भी मक्कार थी, आपकी डाउनलाइन भी मक्कार थी और आपकी क्रॉस लाइन भी मक्कार थी, इनमें तीनों में से कोई भी अगर काम कर रहा है मेरे दोस्त, तो आप यहां से पैसा कमा के जाएंगे। और मैं कुछ लोगों की आईडी भी खोल के दिखाऊंगा जिन लोगों ने यहाँ पे बिना रेफरल कभी हजारों लाखों रुपए कमा के गए हैं मेरे दोस्त। ये पावर है इस सिस्टम का और दिस द रीजन कि यहां से हर एक इंसान पैसे कमा के जाता है। यहां पे आप देखें फोर्सेस का जो वर्किंग सिस्टम है X3 एंड X4 के अंदर, अगर आप 6 लोगों को रेफर कर है X3 के अंदर तो 4 लोगों का आपको मिलेगा, 2 अपलाइन को जाएगा। X4 के अंदर जाएंगे तो 3 का आपको मिलेगा और 3 आपकी अपलाइन को जाएगा। ये बार बार मेरे दोस्त स्ट्रक्चर रिसाइकल करता रहेगा। यहाँ पे एक कंडीशन है, मान लीजिए आप 8वें स्लॉट में 8वां लेवल आप अपग्रेड कर लिए हैं और आपको अगले लेवल का इनकम चाहिए या फिर 8वां स्लॉट का बार बार इनकम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अगले स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अगले स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा? 8वें स्लॉट का इनकम आप मिस कर जाएंगे, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने X3 एंड X4 का 5-5 स्लॉट लिया राइट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा दिस द 100% यू नो हाईली रिकमेंडेड स्लॉट्स दैट X3 का 5 और X4 का 5, जहां पे आपको 155 BUSD X3 में लगेगा, 155 BUSD X4 में लगेगा, जिसका इंडियन रुपीज के अंदर अगर अपन कीमत लगा दें इट विल अराउंड 25,000 to 28,000, 25,000 to 28,000 रुपए एक साथ आप ज्वाइन करते हैं तो अच्छी अर्निंग ले पाएंगे और अच्छा आपका इनकम हो जाएगा। और हमें करना क्या है मेरे दोस्त, अगर करोड़ों कमाना है तो आपको अपने डायरेक्ट को बढ़ाने पड़ेंगे और डायरेक्ट कितना करना है? 12। मैं अगर आपको टारगेट दूं कि अगर 12 डायरेक्ट अपन करते हैं और अगले 4 दिन का टारगेट ले लेते हैं, 1 हफ्ते का टारगेट ले लेते हैं, अगर 1 हफ्ते में 12 डायरेक्ट किए अपन ने 5-5 स्लॉट में, तो अपन को कितना अर्निंग आएगा? सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्योंकि हर तीसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर रिसाइकल हो रहा है राइट, तो अपन को इनकम कितने आएगा? 8 लोगों का X3 में फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट एंड फाइव स्लॉट, तो टोटल आपको जो इनकम आएगा $40, $80, $160, $320 एंड $640, इट विल अराउंड 99,200 मेरे दोस्त। यहाँ पे 99,200 रुपए आप कमा सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर। और X4 के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं 74,474,400 रुपए X4 के अंदर। अगर इन दोनों का अर्निंग कैलकुलेट करेंगे तो 175,000 रुपए हो सकता है अगले 1 हफ्ते की इनकम, अगर आप 5 स्लॉट से करते हैं और 12 लोगों को डायरेक्ट लगाते हैं। जो आज तक आप किसी भी सिस्टम में काम किए होंगे, हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर आप यू नो 175,000 रुपए अर्निंग ना किए। सर ऐसा किसी ने किया है मेरे दोस्त? एक नहीं, आज हमारी टीम के अंदर लास्ट 10 दिन में हमारी टीम में 3,000 लोग हैं और 3,000 लोगों में करीब करीब यू नो 100 से 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे 5 लाख से 6 लाख से 3 लाख 4 लाख रुपए तक अर्निंग कर चुके हैं मेरे दोस्त राइट। सो दिस इज ऑल एंड मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद चीजों को समझ पाए हों, और नहीं समझ पाए हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं।